पहले जो हुआ था ना वो एक बंद कार में हुआ था, लेकिन आज जैसे मेरी इज्जत सबके सामने उछल गई थी। ये गलती हमसे हुई है, बाप से माफी मांगते। वो तो झांकी में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, हमारे कहने पर वो तैयार। हमें धोखा देने का फैसला आपका था, हमारे विश्वास हमारी आस्था को ठेस आपने पहुंचाई। आज के बाद इस राजघराने में उस लड़की का नाम नहीं लिया जाएगा, अब ये शादी नहीं हो सकती। वो लड़की तो राजमहल में आने से रही, तो क्यों ना अब आप शिवांगी के रिश्ते की बात छेड़े। बल्कि हम तो कहते हैं आप माता जी से बात कीजिए, और अगर एक बार शिवांगी राजमहल आ गई ना बेटा, तो ससुराल में आपकी शान दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। आपका दिल तोड़कर हम नया रिश्ता नहीं जोड़ सकते, आपकी रजामंदी के बिना हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हम किसी और लड़की से अब शादी नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत ही सीधी और साफ बात करने आए हैं, हमारे बेटे विशेष को आपके सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा है, हम उन्हें इतनी बड़ी भूल नहीं करने देंगे। आप हमारे बेटे की जिंदगी से निकल जाइए। आप, ये तो मेरी स्कूटी है। पापा, पापा, क्लास हो गया। पायल, पायल पियो कहीं कीरू। अच्छा सुनो, ये लैंप आपकी साइड में रख दिया है, आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान मैंने वहां रख दिया है, आपको अच्छा लगता है ना इसलिए। और क्या क्या किरु, तू प्लीज कहीं मत जाना। सो सॉरी रितु, शिट, मैंने इमरजेंसी लाइट ही रखी है, सो सॉरी। किरु, अब ठीक है, ठीक है। क्या क्या हुआ तुझे, दिखा। हाँ दादा, दी तो कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, मैं तो वैसे भी गिरती पड़ती रहती हूँ। दीदू, मैंने टिफिन ले लिया है और पापा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, उन्हें करवा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा आज। बाय, सी यू। बाय। पापा, नाश्ता तैयार है। नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, आप क्यों नहीं खाओगे? पापा देखो, टाइम पर नाश्ता क्या करो, तो दवाई भी तो लेनी होती है ना। आज मेरा व्रत है। फास्ट? आप कब से फास्ट रखने लग गए? और वैसे भी आज कौन सा, आज तो माए अपने बेटों के लिए व्रत रखती है, तो आज इस पापा ने अपनी बेटियों के लिए व्रत रखा है। भी सारा प्यार बेटों को ही क्यों, मुझे भी तो अपनी बेटियों की खुशहाली मांगनी है। अच्छा मौका है आज, वैसे आज इस पापा से जो मांगना है मांग लेना, और वो अपनी छुटकी को भी बता देना। सब मिलेगा आज। पापा, अपना बहुत ही क्यों, सॉरी मैं। कुछ नहीं होता, ये देख। पापा, लाइए माँ, क्या मदद करे बताइए हमें। रहने दे बेटा, सब हो चुका है। अरे ऐसे कैसे, अरे
हाथ धोया? हाँ, हम जानते हैं आपको ये सब चीजें पसंद नहीं, धोकर आए हम आप। इसमें मीठा तो ठीक है ना? सॉरी माँ, वो हमने झूठा कर दिया। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, आपसे भूल हो गई। भूल चूक ईश्वर के सामने सब माफ है। कितनी अजीब बात है ना माँ, भूल चूक सब माफ है, लेकिन कंचन जी जिनकी कोई गलती नहीं है उन्हें सब सजा देने पर तुले। कितनी गलत बात है। आपकी मुस्कुराहट आप ही के सवालों का जवाब दे रही है। कंचन की कोई भूल ना सहे, लेकिन जो मांगने जा रहे हैं वो आपको देना हमारे बस में नहीं। आज संतान सप्तमी के दिन हम कंचन को आपकी खुशी के लिए इस घर में लेकर आ रहे हैं। हाँ, माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई है कंचन जी। हेलो। शादी राजकुमार विशेष के साथ, मगर सुहाग रात हमारे साथ मना चुकी है। इंगेजमेंट पर सीसीटीवी फुटेज तो तुमने देख ही ली है, अभी दूसरा तोहफा भी तुम तक पहुँच गया है। तूने मेरा फोन देखा है क्या? हेलो विशेष, मेरी बात ध्यान से सुन। कीर्ति को बोल जितना हो सके कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचे, तभी हम लोकेशन का पता लगा पाएंगे। विशेष मिल गया, लोहा बांध गांव की तरफ जा रहा है। सुझाव है माही जी का शादी कर दीजिए। तुम पगला गए हो का? का बकवास कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले पहल मनमा ने माही के शादी का सुझाव दिया और माही के रिश्ते का प्रस्ताव आ गया। किसके यहाँ से? वो सरदार सिंह जी है ना, वो कल अपने घर भी आ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है, एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आप लोगों को डबल मेहनत करनी है। हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम जाम में कैसे बैठेंगे? आपको मैं पास करवाऊंगा, ये एक आशिक एक पड़ोसी का वादा है। हाय दिया। अभी जी आपको पास करवाने के लिए चाहे मेरे खून का एक कतरा क्यों ना बह जाए, कोई गम नहीं। हाय दिया। आपको पास करवाने के लिए चाहे मैं नेस्त नाबूद हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, कोई गम नहीं भाभी जी, कोई गम नहीं। हाय दिया। मैं आपको इतनी वैरायटी दे रहा हूं, इतना सब कुछ कह रहा हूं, आपके पास कोई वेरिएशन नहीं है? क्या बोले? किस एक के लिए हम सब भगवान कंस के दर्शन से वंचित क्यों रहे? जिसे ना जाना है ना जाए, किंतु हमें भगवान कंस की शरण में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो भगवान कंस की। भगवान कंस की। वृंदावन वासियों को असुरी प्रभाव से मुक्त करने हेतु राधे कृष्ण कामधेनु गाय का आह्वान कर उनसे करवाते हैं दूध की वर्षा। बच्चा हमारे पास है रागिनी, यहाँ कुछ नहीं हुआ उसे। माता रानी, हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आए थे। एक काम कीजिए, हैं अपने जिंदगी में ना आगे बढ़िए और हमको प्लीज जीने दीजिए। बैजू जिसके हाथ से मंगलसूत्र पहना जाता है उसके साथ चला जाता है, आगे नहीं बढ़ा जाता। ये मंगलसूत्र ही प्रॉब्लम है ना, तो लाइए हम निकाल देते हैं। आज कुछ भी करके उस थरप डॉक्टर का खुलासा करना ही है। हम दोनों मिलकर वो डॉक्टर की पोल खोलेंगे। तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत दर्द हो रहा है बेटा। इनकी किडनी में पत्थर हो गया है डॉक्टर साहब। तू चाहे तो ये किडनी निकाल दे बेटा। इनकी किडनी स्टोन के लिए अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा। हिम्मत कैसी हुई मेरी घर में आने की? बिन, क्यों मार रहे थे? कौन है? पहचाना मुझे? मैं इस घर का बेटा हूं और आप मेरे पापा हैं।